तो हेलो जी, कैसे हैं सब? तो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, जैसे कि आपको पता है। उस बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पूरे सीन के बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल जब से क्वारंटाइन डे, आज पता नहीं कौन सा है, लेकिन खैर जब से क्वारंटाइन चल रहा है ना, मैं घर में ही हूँ, ठीक है। और जब भी मैं टीवी या फ़ोन पे न्यूज़ चेक करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है भाई, सिंध में इतने केसेस हो गए, कराची में इतने केसेस हो गए, पाकिस्तान में इतने केसेस हो गए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर सब लोग अपने घर में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये केसेस आ कहाँ से रहे हैं? तो यार, मैंने 2-3 महीने से ना अपने बाल भी नहीं कटाए, सही है? तो ये मुझे मत देख के बोलना कि यार आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, व्लॉगिंग करने से पहले बाल बनाया करो, प्लीज़। वैसे खैर, इन हालात जो भी हैं, ऐसे हालात, इन हालातों में मुझे बाहर निकलना तो ही चाहिए, लेकिन मैं भी ज़रा जा के देखूँ यार बाहर के लोगों को कौन सा सोना मिल रहा है जो निकल के घर से बाहर ढूंढ रहे हैं रोडों पर। आपने देखा, मैं भी बाहर से आया हूँ, वहाँ के हालात तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाए। लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मिल रहे हैं, 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग है। जैसे कि इटली के लोगों ने इसको, कोरोना को बहुत लाइटली लिया था, आज वो उस चीज़ को पे करें। हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करें, लोगों को पता नहीं क्या मसला है यार, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। भाई खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाओ भाई, आराम से घर पर बैठो। बाहर से गया था यार, तो फ्रेश हो के अभी फारिग होके बैठा हूँ, तो मैंने सोचा अभी कंटिन्यू करते हैं उस बात। काफ़ी टाइम से ना मैं अभी घर में ही, तो यार जैसे कि हालात चल रहे हैं उस वजह से मैं इतना बाहर तो नहीं निकल रहा, लेकिन मैंने मेरे जो एग्ज़ाम्स थे, ठीक, जिनकी वजह से मैंने अपनी ब्लॉगिंग को पोस्टपोन किया था कि यार एक दफ़ा आराम से एग्ज़ाम्स दे दूँ, फिर आराम से वीडियोस वगैरह बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने काम को। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग को पोस्टपोन किया था, वो एग्ज़ाम्स ही पोस्टपोन हो गए। मैंने कहा क्यों ना वापस अपनी ब्लॉगिंग को शुरू किया जाए, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। नाउ आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट होम, तो उस वजह से मैंने अपनी चेंजेस किए हैं कि हाउ आई स्टार्ट माई डे। टिपिकली मैं सुबह उठता हूँ, आई ग्रैब माई फ़ोन और मैं सुबह उठ के सबसे पहले स्कोर चेक करता हूँ। आपको पता है मैं किस स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर फ्रेश होता हूँ, हाथ धोता हूँ और फिर उसके बाद आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। और अपने फेवरेट म्यूजिक सुनता हूँ। उसके बाद ना मैं वापस हाथ धोता हूँ। पर इन ऑल सीरियसनेस, इसमें से ये जो पूरी पैरोडी मैंने बनाई थी, इसमें से कुछ चीज़ें सच हैं, जैसे कि आई हैव स्टार्टेड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ मीडिया। पहले से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा करता था, अभी बहुत ही ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना लग गया था और न्यूज़ देखने लग गया था। वन थिंग इज़ दैट आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी जेन्युइन एंड ट्रू विद ऑल यू गाइस, ठीक है। मैंने कभी ये प्रेटेंड करने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत डेढ़ होशियार हूँ, मुझे सब कुछ आता है, नहीं। मैंने इस क्वारंटाइन में सोचा कि आई विल अडेप्ट अ लॉट ऑफ
हेल्दी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ जो कि मेरे क्वारंटाइन को बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं ना, काफ़ी सारे चैलेंजेस एंड हर्डल्स यू हैव टू फेस देम। सो आई हैव कट डाउन ऑन द मीडिया दैट आई वॉज कंज्यूमिंग, ठीक है, और कम से कम न्यूज़ देखता हूँ। क्योंकि जितना इंसान न्यूज़ देखता है और फालतू चीज़ों को अंदर इन्वॉल्व होता है ना, उतने ही वो फ्रस्ट्रेशन और प्रोकास्टिनेशन ऐसी चीज़ों का शिकार होता है। तो आई हैव कट डाउन ऑन द मीडिया एंड आई हैव स्टार्टेड टू वर्कआउट। मैंने अपनी नई वर्कआउट रूटीन प्लान की है। जो कि मैं करता हूँ प्रॉपरली, मैं कोई इतना फिटनेस एक्सपर्ट तो हूँ नहीं या कोई और फिटनेस एक्सपर्ट मुझे गाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जो भी वर्कआउट प्लान वगैरह करता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो आई वुड हैव मच प्रेफर्ड वर्किंग आउट एट अ जिम। घर में आपका जो दिमाग होता है ना, वो रेस्टिंग मोड पे होता है। जिम की एक इन्वायरमेंट होती है ना, अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टेंसेस राइट नाउ, तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड अडेप्ट दिस होम वर्कआउट थिंग। तो यार आई एम स्टिल इन द फेज ऑफ डिस्कवरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सेल्फ। मुझे काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों को डिस्कवर करना है और एक्सपेरिमेंट करना है अपने साथ, और अपनी इस रूटीन को जो अभी फ़िलहाल ऐसी है इसको और बेहतर बनाना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, पीस।